बीच मझधार में लाकर वो मुझे छोड़ दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा। बीच मझधार में लाकर वो मुझे छोड़ दिया, हौसला मेरा था मौजों का भी रुख मोड़ दिया। सिर्फ लफ्जों से किया करते हैं माँ की सेवा, सिर्फ शब्दों से किया करते हैं माँ की सेवा, और माँ घर में अकेले ही थी दम तोड़ दिया, और माँ घर में अकेले ही थी दम तोड़ दिया, हौसला मेरा था मौजों का भी रुख मोड़ दिया। हेलो, हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सचिन भाई, बहुत अच्छे। और चार मिसरे और मैं पढ़ रहा हूँ एकता पे, मुलाजा करें। किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है। आ बात है बहुत, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में लड़ाते हो। यहाँ का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है, यहाँ का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। और ये भी चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, मुलाहजा करें। आता हूँ। ये दिल्ली बम्बई गुजरात राजस्थान बोलेगा। माइक बहुत बढ़िया बोल रहा है। हाँ, अब बस अब सुनना नहीं, ठीक है, इधर बजा रहा हूँ। हाँ, उधर करिए। ये दिल्ली बम्बई गुजरात राजस्थान बोलेगा, इसी धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा, इसी धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। हमारा सकल में पर रख दो, लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा, लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा, लहू का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। अच्छा, गजल का मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, और ये बिहारी लाल अंबर जी ने मुझे यहाँ लाए। अरे भूल गए, नहीं याद तो कहीं आ जाए। अच्छा, मैं पढ़ के पढ़ता हूँ, चार मिसरे देखिएगा। कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है। जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती है, माँ के कदमों में पाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है।
बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और मैं पढ़ रहा हूँ, मुलायजा फरमाए। मुझे करीब ही जाना है तुम न साथ चलो, मुझे करीब ही जाना है तुम न साथ चलो, मुझे करीब ही जाना है तुम न साथ चलो, अभी तो लौट के आना है तुम न साथ चलो, अभी तो लौट के आना है तुम न साथ चलो, मुझे करीब ही जाना है तुम न साथ चलो। और ये शेर पढ़ा मैं कि समझ न ले कहीं दुनिया हमारी चाहत को, अभी तो लौट के आना है तुम न साथ चलो, समझ न ले कहीं दुनिया हमारी चाहत को, समझ न ले कहीं समझ न ले कहीं दुनिया हमारी चाहत को, हमें ये राज छुपाना है तुम न साथ चलो, हमें ये राज छुपाना है तुम न साथ चलो, अभी तो लौट के आना है तुम न साथ चलो। बहुत बढ़िया। और एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाए, इसकी टोन बहुत बढ़िया है, इससे 15-20 की गजल और लिख लिए। कदम कदम पे नशे बो फराज आएंगे, नशे फराज उठाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, अभी तो लौट के आना है तुम न साथ चलो, कदम कदम पे नशे बो फराज आएंगे, कदम कदम पे कदम कदम पे नशे बो फराज आएंगे, संभल के पांव उठाना है तुम न साथ चलो, संभल के पांव उठाना है तुम न साथ चलो, अभी तो लौट के आना है तुम न साथ चलो, हमें ये राज छुपाना है तुम न साथ चलो, अभी तो लौट के आना है तुम न साथ चलो। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ और क्या। चार मिश्रा और पढ़ दे। हाँ पढ़ा। हाँ अरे हाँ, चार मिश्रा और मैं पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मैं सुना रहा हूँ भी। नहीं बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, और हमको लगता है कि आप किसी माँ की लोरी की तरह आपकी गजलें काम कर रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लोग अभी दो चार जाग भी रहे थे वो भी बेचारे अब सो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ लोग सो के ही सुन रहे हैं। पहले नफरत किसी आही को मिटाया जाए, वाह, पहले नफरत किसी आही को मिटाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, बाबे जन्नत है खुला शर्त यही है, लेकिन बाबे जन्नत स्वर्ग का दरवाजा, देखिएगा बाबे जन्नत स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ। फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, बाबे जन्नत है खुला शर्त यही है, लेकिन बाबे जन्नत है खुला शर्त यही है, लेकिन बाबे जन्नत है खुला शर्त यही है, लेकिन
के कदमों को मोहब्बत से दबाया जाए, माँ के कदमों को मोहब्बत से दबाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, जिसके साए में रुके, जिसके साए में रुके हिंदू मुसलमान दोनों, जिसके साए में रुके हिंदू मुसलमान दोनों, जिसके साए में आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए। और गजल के चंद शेर मैं पढ़ता हूँ। शकील भाई बहुत बढ़िया पढ़ा है, हम चाहते हैं शकील भाई के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जो लोग सही सही सुन रहे हो। ठीक है, सुन ये तालियां कमजोर नहीं है, ये आपके सुनने की बहुत ही सही तरीका है साथियों। किसी वीराने को बहारों में तब्दील करना ये आपका जादू है साथियों। आप यहाँ जाग जाग के इतनी रात को शायरी और गजलों का आनंद ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। बहुत अच्छा भाई, विदेश और रितु की शादी की तमाम शुभकामनाओं के साथ इस जन्मवासे में उपस्थित भाई शिवराम यादव जी और उनके सभी नात रिश्तेदारों, सभी साथियों का और गांव के वरिष्ठ सम्मानित नागरिकों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चार मिसरे मैं और पढ़ता हूँ। है भाई फुरफुरी माइक पर क्या कर रहे हो यार? वो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए लोगों की फरमाइश हुई है चार लाइनें और मैं पढ़ दे रहा हूँ, याद नहीं है पूरी गजल। जी बढ़िया पढ़ दीजिए। आप देखिए यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे आप छाने वाले हैं, आप पोएटिक अड्डा शशिकांत आने और राहुल भाई बनारस की सरजमी से शूट कर रहे हैं। अभी है चांद आने को है, सितारों जागते रहना, बहुत पसंद है मित्रों। अभी है चांद आने को, सितारों जागते रहना, अभी है चांद आने को, सितारों जागते रहना, वो दुल्हन बन के आएंगे कहारो जागते रहना, वो दुल्हन बन के आएंगे कहारो जागते रहना। और ये भी शेर मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए आता हूँ आता हूँ कि मुसलसल कोशिशों से ही मिलेगी जिंदगी तुमको, मुसलसल कोशिशों से ही मिलेगी जिंदगी तुमको, कली की आँख लग जाए तो खारो जागते रहना, कली की आँख लग जाए तो खारो जागते रहना, वो दुल्हन बन के आएंगे कहारो जागते रहना।
एक शेर और मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़िए शकील भाई। कि सफीना दूर सफीना चूर साहिल दूर बर हम ना खुदा लेकिन। क्या बात है। अभी शेर आप लोग सुना रहा हूँ, मुझे पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ। सफीना चूर साहिल दूर बर हम ना खुदा लेकिन सफीना चूर साहिल दूर बर हम ना खुदा लेकिन सहारे सो गए हैं बे सहारो। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। दोबारा ये शेर पढ़िए आप पटेल भाई, दोबारा शेर पढ़िए इसको। बहुत खूब बहुत खूब, वाह बहुत खूब। मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया। सफीना चूर साहिल दूर बर हम ना खुदा लेकिन सफीना चूर साहिल दूर बर हम ना खुदा लेकिन सहारे सो गए हैं बे सहारो जागते रहे ना। सहारे सो गए हैं बे सहारो जागते रहे ना। कली की आँख लग जाए तो पारो जागते रहे ना। वो दुल्हन बने के आएंगे पहारो जागते